हेलो एवरीवन, और शिवम इंग्लिश लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विलियम वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोयम, जिसका नाम है लंदन 1802। और इस पोयम का एक और नाम है टू मिल्टन। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही पोयम है, दो टाइटल हैं। कंपोजिशन सेम वही 1802, और पब्लिकेशन भी सेम 1807। जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और द रेनबो माई हार्ट लीप सबका था। बात करें पोएम के बैकग्राउंड की, तो वर्ड्सवर्थ समाज की बढ़ती हुई बुराइयों को देख रहे हैं और मिल्टन को याद कर रहे हैं, और मिल्टन को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि काश तुम जिंदा होते तो शायद कुछ बेहतर होता। एक सोनेट है, द पोएम ऑफ 14 लाइन्स। आइए स्टार्ट करते हैं। मिल्टन, Thou shouldest be living at this hour. England hath need of thee. मिल्टन, तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। She is a fan of stagnant waters. She इंग्लैंड के लिए आया है, तो इंग्लैंड जो है वो अब रुके हुए पानी का दलदल बन चुकी है। Altar, sword and pen, fireside. द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड वॉर। और यहाँ पर सिंबॉलिकल मीनिंग्स निकालेंगे। आल्टर मीन्स पूजा की वेदी होती है, पर यहाँ पर इसका मतलब है प्रीस्ट, पुजारी। स्वॉर्ड मीन्स तलवार होता है, पर यहाँ पर इसका मीनिंग होगा आर्मी। पैन मीन्स राइटर्स और पोइट्स। और फायर साइड्स कॉमन पीपल, जो फायर जलाकर उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। और द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोअर मीन्स अमीर घराने के लड़के लड़कियां। हैव फॉरफिटेड देयर एंशियंट इंग्लिश डोर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। ये सभी करप्ट हो चुके हैं, ये पहले की तरह नहीं रहे हैं। ये सब लोग अब पहले की तरह इंग्लैंड को हैप्पीनेस नहीं देते। वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। और हम सभी स्वार्थी लोगों को इस दलदल से निकालो। मिल्टन, हमारे पास वापस आ जाओ। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। आओ हमारे पास और हमें दे दो मैनर्स, सद्गुण, आजादी और पावर ऑफ थिंकिंग। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तुम तो एक तारे के समान थे, जो सबसे अलग ही रहते थे, मतलब अलग ही दिखते थे। Thou hadest a voice whose sound was like the sea. और तुम्हारी आवाज इतनी दमदार थी जैसे समुद्र की आवाज। Pure as the naked heaven, majestic free. और तुम्हारी पोयम्स आसमान की तरह प्योर थी, प्रभावशाली थी और आजाद थी। So didst thou travel on life's common way. और तुमने अपनी लाइफ को बहुत ही साधारण तरीके से जिया। Cheerful गॉड लाइन्स एंड गेट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिडले। लेकिन फिर भी तुमने अपने जीवन के छोटे छोटे काम भी पूरी ईमानदारी के साथ किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। इस पोयम से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। हर एक लाइन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम में याद रखना है कि पोयम का नाम है टू मिल्टन और कंपोज की है वर्ड्सवर्थ ने। अब अगर इस पोयम की कोई लाइन आती है और पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ किसे एड्रेस किया है, तो याद रखना है मिल्टन को एड्रेस किया है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, किस पोयम का क्वेश्चन है? लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन। पोइट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। किसकी बात हो रही है? मिल्टन की। यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। जल्द ही एक और लेक्चर में मिलेंगे। सिया, जय हिंद।